हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जरूरी मेडिसिन के बारे में, जो कि अगर आपके घर में भी कोई छोटा सा बेबी है तो आपके पास जरूर से होनी चाहिए। बच्चे को अगर बीच रात में बुखार आता है, सुबह तक अगर आप उसको कोई मेडिसिन नहीं देंगे तो उसकी प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पर बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता कि बच्चे को लेकर हम डॉक्टर के पास जाए, तो उस केस में ये मेडिसिन आपकी मदद कर सकती है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों से ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो मेडिसिन की इस लिस्ट में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो मेडिसिन है वो है ORS। ORS का एक पैकेट आपके पास ज़रूर से होना चाहिए, स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो आप इसे अपने पास ज़रूर से रखें। बच्चे को जब लूज मोशन या वॉमिटिंग होती है तब ये काम आता है। जब बच्चे को लूज मोशन होता है तो बच्चों की बॉडी से पानी निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है, और बहुत सारे छोटे बच्चों की इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो बच्चे को अगर लूज मोशन हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रही है, या फिर कई बार फीवर जब बच्चों को ज्यादा होता है तो भी बच्चों की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो ORS उस केस में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपके घर में भी छोटा सा बेबी है तो ORS के बारे में जानकारी आपके पास जरूर से होनी चाहिए कि ORS कैसे बनाना है, कितना देना है बच्चे को। तो 1 लीटर पानी में इसका एक पूरा पैकेट आपको मिक्स करके 24 घंटे के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को ये देते रहना है ताकि बच्चों की बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। तो ORS का एक पैकेट आप अपने पास हर टाइम, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर पे हो, तो अपने पास जरूर से रखें। दूसरी मेडिसिन जो है वो है पैरासिटामोल या फिर आईबीप्रोफेन। आप इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन दे सकते हो अपने बच्चे को जब बच्चे को फीवर की परेशानी हो रही है। जब बच्चे को फीवर होता है तो पैरासिटामोल अगर आप बच्चे को देते हैं तो टेम्परेचर डाउन होने में मदद करता है, या फिर कई बार पैरासिटामोल अगर बच्चों के ऊपर काम नहीं कर रहा है तो आईबीप्रोफेन भी आप उन्हें दे सकते हो, या फिर बच्चे को अगर कोई बॉडी पेन है तो भी ये दोनों मेडिसिन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बाहर कहीं हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर अगर बच्चे को कोई दर्द कर रहा है या फिर फीवर अगर आपको लगता है कि बच्चे को हो रहा है, थर्मोमीटर के ऊपर आपने चेक किया है वो फीवर बता रहा है, तो उस केस में आप बच्चे को आईबीप्रोफेन या फिर पैरासिटामोल जरूर से दें। और ये एक्चुअली आपके बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग आपको देना होता है। तो ऐसे ही आप बच्चे को मत दीजिए, आप अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो ये सारी चीजों के बारे में जरूर से पूछ लें उनको कि पैरासिटामोल कब यूज करनी है, कितनी आपके बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग ये देनी है, ताकि बीच रात में अगर बच्चे को फीवर आता है तो आप पैरासिटामोल या फिर आईबीप्रोफेन दे सकते हैं। और ये एक्चुअली 6 घंटे पे रिपीट करना होता है। बच्चे को अगर 6 घंटे के बाद भी फीवर उतर नहीं रहा है तो 6 घंटे के बाद में आप फिर से बच्चे को दे सकते हैं। 6 घंटे से पहले आपको दोबारा से पैरासिटामोल या फिर आईबीप्रोफेन नहीं देना होता है। तो ये सारी जानकारी भी आप अपने डॉक्टर से जरूर से ले लें। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है सलाइन ड्रॉप। अगर आपके घर में भी छोटा बेबी है तो आपके पास सलाइन ड्रॉप भी जरूर से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम होना तो बहुत कॉमन है। इवन गर्मियों के मौसम में भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, और 12 महीने से छोटे जो बेबी होते हैं उनको हर महीने सर्दी जुकाम होना बहुत कॉमन है। 1 साल तक होने में बच्चे को 11 से 12 बार सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हर महीने बच्चे को जरूर से सर्दी जुकाम होता ही है। और जब बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चों की नोज में जो म्यूकस जमा हो जाता है उसकी वजह से बच्चा फीड नहीं ले पाता, या अगर आप उसको दूध पिलाते हो, ऊपर का दूध देते हो, तो वो नहीं पी पाता, या फिर रात को सोने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो आराम से ब्रीथ नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता, तो पूरी रात वो सोएगा नहीं अगर उसको सर्दी जुकाम है तो, और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो सलाइन ड्रॉप अगर आप यूज करते हो तो विद इन अ सेकेंड आपके बच्चों का नोज क्लियर हो जाता है, और बच्चा आराम से ब्रीथ करेगा, आराम से दूध भी पी पाएगा और आराम से सो भी जाएगा। तो अगर छोटा बेबी है आपके पास तो सलाइन ड्रॉप आप अपने पास जरूर से रखें। नेसोक्लियर नाम से एक सलाइन ड्रॉप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों की सर्दी जुकाम में ये बहुत मदद करता है।
उसके बाद है बेबी विक्स। अगर आपके घर में छोटा बेबी है, 2 साल से छोटा अगर आपका बच्चा है, तो बेबी विक्स भी आपके पास ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो ये बहुत मदद करता है। नॉर्मल जो विक्स वेपोरब होता है वो आप 2 साल से छोटे बच्चे के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है। वो नॉर्मल वाला विक्स अगर आप बच्चों की चेस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बच्चों की स्किन जल सकती है। तो इसीलिए बेबी विक्स आप अपने छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है तो बच्चों के गले के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, पैरों के तलबों के ऊपर, हाथों की हथेलियों के ऊपर अगर आप बेबी विक्स अप्लाई करते हो तो बच्चे को इससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो बेबी विक्स भी आप अपने मेडिकल किट में जरूर से रखें। उसके बाद है कॉलिकेड या फिर गैस्ट्रिका ड्रॉप्स। बच्चों को कॉलिक होना भी बहुत कॉमन है। बच्चों को पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़े पड़ना, बार बार ये प्रॉब्लम होती है। स्पेशली 4-5 महीने के बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। शाम के टाइम पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आप अपने बच्चे को देखते हो आँख बंद करके वो बहुत देर से रो रहा है, फेस उसका लाल हो चुका है, पेट भी उसका छूने से अगर आपको बहुत टाइट लग रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कॉलिक हो सकता है। उस केस में आप कॉलिकेड या फिर गैस्ट्रिका ड्रॉप्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगेन अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर से पूछ ले कि जब भी बच्चे को कॉलिक होता है तो कितनी क्वांटिटी में ये बच्चे को देना है, उस हिसाब से फिर आप अपने बच्चे के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है विटामिन डी और आयरन के ड्रॉप्स या फिर कोई मल्टीविटामिन ड्रॉप्स आप अपने बच्चे को ज़रूर से दें। विटामिन डी शुरू से बच्चे को दिया जाता है, आयरन के ड्रॉप्स बच्चे को 4 महीने के बाद देना स्टार्ट करते हैं और 1 साल तक दिए जाते हैं। बच्चों की बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी या फिर आयरन की कमी होगी तो बच्चों की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और बार बार बच्चा बीमार होता रहेगा। विटामिन D3 बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा ब्रेस्ट फीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है और दूध में विटामिन डी के अलावा सारे न्यूट्रिशन होते हैं, दूध में विटामिन डी नहीं होता है। और आजकल हम बच्चों को सन एक्सपोजर भी बहुत कम देते हैं तो बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों के टीथ भी देर से निकलना स्टार्ट होते हैं और बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी और आयरन के ड्रॉप्स या फिर और कोई मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार 1 साल तक अपने बच्चे को ज़रूर से दें, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और बार बार बच्चा बीमार ना हो जाए। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपके पास एक थर्मोमीटर भी ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों की बॉडी को टच करने से हमें फील नहीं होता है कि बच्चे को बुखार है या और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप थर्मोमीटर के ऊपर चेक करते हो तो वहाँ पर अगर 100 डिग्री से ज़्यादा आपको शो कर रहा है बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि बच्चे को बुखार है और आपको पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन देना चाहिए। या फिर अगर आपके बच्चे को बार बार की प्रॉब्लम लगी रहती है तो हर बार थर्मोमीटर से बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर चेक करते रहे और एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करते रहे कि कितने टाइम पे कितना बॉडी का टेम्परेचर था, और एक चार्ट सा बना ले और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाए तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से वो शो करें, ताकि आपके बच्चों को वो अच्छे से असेस कर पाए। तो एक थर्मोमीटर भी आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। रात को अगर आपको फील होता है तो पहले थर्मोमीटर से चेक कर ले बॉडी का टेम्परेचर, उसके बाद ही मेडिसिन आप अपने बच्चे को दें। तो थर्मोमीटर आप अपने पास ज़रूर से रखें। उसके बाद आपके फर्स्ट एड बॉक्स में और कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि अगर बच्चे को जल जाता है बच्चा, जैसे कि बच्चे के हाथ के ऊपर गर्म पानी गिर गया, दूध गिर गया या फिर गर्म चीज़ बच्चे ने छू ली, बच्चा जल गया है, तो तब आप बर्नोल या फिर सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट उस जगह पर लगा सकते हैं। तो बर्नोल या सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर से होना चाहिए, या फिर और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे कि सोफ्रोमाइसिन, बेटाडीन, ये सारी चीज़ें भी आप अपने पास ज़रूर से रखें। बैंडेड या फिर आइस पैक, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर बॉक्स में आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये सारी मेडिसिन आपके पास घर पे अवेलेबल है, पैरासीटामोल भी है, कॉलिकेट भी है, सोफ्रोमाइसिन भी है, लेकिन कहीं बच्चे को चोट लग गई और आपको सोफ्रोमाइसिन मिल ही नहीं रही है, तो उस केस में फिर क्या फ़ायदा मेडिसिन का घर पे होने के। तो आप क्या करें, एक पर्टिकुलर बॉक्स में, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी मेडिसिन एक साथ होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि थर्मोमीटर कहीं किचन में फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है,
पैरासीटामोल के ड्रॉप्स आपके बेडरूम में किसी ड्रॉअर में पड़े हुए हैं और जब आप उसको आपको उसकी ज़रूरत है आप उसे ढूंढ रहे हो तो वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में, पर्टिकुलर एक मेडिकल किट में ये सारी चीज़ें एक साथ ज़रूर से रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके काम आ पाए। या फिर अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो ये सारी चीज़ें अपने साथ ज़रूर से लेकर के जाए, आपको वहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़रूर से हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर कोई ज़रूरी मेडिसिन का नाम लेना मैं यहाँ पर भूल गई हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बाकी लोगों की मदद कर सकते हो। एंड इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।